एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज हम देखते हैं वोकैब के कुछ और नए वर्ड्स उनके सिनोनिम्स के साथ। चलिए देखें। हमारा फर्स्ट वर्ड है असेसमेंट। असेसमेंट करने का मतलब होता है किसी चीज को इवैल्यूएट करना, किसी चीज का मूल्यांकन करना। ठीक है, एग्जांपल के साथ देखते हैं। वांटिंग एन असेसमेंट ऑफ आवर हेल्थ द वुमन कॉन्टेक्टेड हर डॉक्टर फॉर एन अपॉइंटमेंट। अपनी हेल्थ का असेसमेंट करवाने के लिए, अपनी हेल्थ की जांच करवाने के लिए डॉक्टर वुमेन ने क्या किया है, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट किया है अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, इसके सिनोनिम देखते हैं। जैसा कि हमने कहा, किसी चीज को इवैल्यूएट करना, किसी चीज को मूल्यांकन करना, तो क्या होगा, फर्स्ट सिनोनिम तो हमारा हो जाएगा इवैल्यूएशन। ठीक है, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, जजमेंट, जजमेंट करना भी किसी का मूल्यांकन करना ही होता है, गॉजिंग और रेटिंग। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है मेक यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का उपयोग करना, किसी चीज को इस्तेमाल करना। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखिए। टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ सन वी मस्ट यूज सोलर हीटर्स। अगर हमें सन की एनर्जी जो है उसको यूज करना है, टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ सन, अगर हमें सन की एनर्जी को यूज करना है तो हमें सोलर हीटर्स का इस्तेमाल करना होगा। इसके क्या सिनोनिम्स हैं? यूटिलाइज करना, जैसा हम जानते हैं इसका मतलब भी उपयोग करना ही है, और मेक प्रोडक्टिव, किसी चीज को काम में लेने के लिए, किसी चीज को उपयोग करने के लिए उस चीज को हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्टिव बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मतलब होता है एबल टू बी नोटेड, मतलब वो इतना क्लियर होना चाहिए कि वो आपके नोटिस में आ रहा है। एबल टू बी नोटेड कह सकते हैं, एबल टू बी ऑब्जर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी सुस्पष्ट, अगर हिंदी में हम बात करें तो इसका मतलब होगा सुस्पष्ट। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एज द क्लाउड्स डार्कनिंग द स्काई देयर वाज अ परसेप्टिबल चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे क्लाउड्स की वजह से स्काई क्या हुआ, डार्क हो गया, तो एक परसेप्टिबल चेंज आ गया किसमें, टेम्परेचर में। यानी कि हो सकता है पहले गर्मी हो, लेकिन जैसे ही क्लाउड्स आए और डार्क हो गया, पूरा आपका स्काई जो था वो डार्क हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ी ठंडक। जब बारिश का मौसम होने वाला होता है तो हमें क्या मिलती है, थोड़ी ठंडक मिलती है, तो हम कहते हैं आज मौसम ठंडा है। तो उसी वजह से क्या हुआ, एक नोटिसेबल चेंज आ गया किसमें, टेम्परेचर में आ गया। ठीक है, तो परसेप्टिबल का मतलब होता है कोई चीज जिसको कि आप नोट कर सके। आइए सिनोनिम देखते हैं। नोटिसेबल, जैसा कि हमने देखा ही था, एबल टू बी नोटेड बोल लो या नोटिसेबल बोल लो। परसीवेबल और डिसर्नेबल, ये तीन इसके सिनोनिम है। अगला हमारा वर्ड है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। ठीक है, चाहे वो साइज की हो, चाहे वो वर्थ की हो, किसी भी चीज की अगर कंसिडरेबल अमाउंट में इंपॉर्टेंस है तो हम उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल। हिंदी में अगर बात करें तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त। कोई भी चीज अगर पर्याप्त मात्रा में है तो हम उसको बोलेंगे सब्सटेंशियल। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स दिस ईयर ड्यू टू आवर अनयूजुअली ड्राई वेदर। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, एक सब्सटेंशियल इंक्रीज हो गया है किसके अंदर, नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में जो आग लग रही है इस बार थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है उसके अंदर, पर्याप्त मात्रा में इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इस बार हमारा वेदर जो है वो अनयूजुअली तरीके से बहुत ही ड्राई हो रहा है। ठीक है, तो सब्सटेंशियल का मतलब हो गया पर्याप्त मात्रा में। इसके सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंटली, मार्कली और कंसिडरेबली, ये है इनके सिनोनिम। अगला हमारा वर्ड है प्रोपोनेंट। इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है ये नहीं तो इसके सिनोनिम आया, लेकिन अच्छा वर्ड है, नहीं पूछा गया वर्ड है, हो सकता है इस बार पूछा जाए। तो प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु एडवोकेट्स अ थ्योरी और प्रिंसिपल और अ बिलीफ। इसका मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि किसी पर्टिकुलर एक विचारधारा का समर्थक हो या पर्टिकुलर एक रूल्स का समर्थक हो, यानी किसी भी चीज का अगर वो समर्थक है तो उसे हम बोलेंगे प्रोपोनेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो क्या थे, गर्ल्स एजुकेशन के समर्थक थे। तो इसके लिए समर्थक के लिए एक अच्छा वर्ड है प्रोपोनेंट। इसके सिनोनिम्स भी बहुत अच्छे हैं। सिनोनिम है अपहोल्डर, पहला वर्ड है आपका अपहोल्डर, दूसरा है आपका एंडोर्सर।
एंडोर्समेंट वर्ड तो आपने कई बार एड में देखा ही होगा कि किसी चीज का कोई सेलिब्रिटी एंडोर्स करती है, इसका मतलब उसको वो उस प्रिंसिपल को वो बिलीव करती है, उस प्रोडक्ट को वो बिलीव करती है, समर्थन देती है। अगला है आपका एडवोकेट, एक्सपोनेंट, प्रमोटर और सपोर्टर। ये थे हमारे आज की वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स। आपको ये वर्ड्स कैसे लगे और इन वर्ड्स से रिलेटेड और आपके पास कोई जानकारी है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।